working of institution, we have started chapter in this powers and functions of president. President is the nominal head and उनकी जो age requirement क्या है 35 years minimum. Minimum 35 years, ठीक है, maximum तो आपको पता ही है, ठीक है, minimum 35 years होती. इसके बाद फिर हमने क्या याद रखना है, उनकी टर्म, इनकी टर्म कितनी है, कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है इनको, 5 years की. 5 years के बाद इनकी टर्म यानी कि इनकी पोस्ट जो है, इन जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह फिर नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है. सेम प्रेसिडेंट कैन बी रिपीट, जो 5 साल पहले प्रेसिडेंट यानी कि जो करंट प्रेसिडेंट हैं अगर वो इलेक्शन में फिर से जीत जाते हैं तो ही और शी कैन बी रिपीट, लेकिन रिपीट तभी होंगे जब उनको इलेक्शन में वो जीतते. क्लियर. उसके बाद फिर हमने क्या बताना है, दैट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया कांट इलेक्ट, हम नहीं डायरेक्ट इलेक्ट कर सकते. इनडायरेक्ट का मतलब होता है तो प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करेंगे, हु कैन इलेक्ट प्रेसिडेंट. आपने इसमें क्या बताना है, एक तो एमपीज प्लस एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ये जो काइंड ऑफ जो है वो एक एसोसिएशन या बॉडी बनती है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पे कॉलेज वर्ड इंस्टीट्यूशन नहीं, यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है द मेंबर्स हु कैन इलेक्ट प्रेसिडेंट. कौन कौन से हैं, एमपीज, एमपीज मतलब दोनों ही, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, एंड एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये आपको याद होना चाहिए कि वी द पीपल कांट इलेक्ट आवर प्रेसिडेंट डायरेक्टली, तो हु कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस एमएलएज. क्लियर. तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो हैं वो कौन पार्टिसिपेट कर सकता है. देन अब आ जाइए इनकी जो है वो मेन, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है. प्रेसिडेंट आज तक वैसे हमारी कंट्री में कभी इनको रिमूव नहीं हुआ, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट, लेकिन सपोज अगर कंट्री के प्रेसिडेंट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, देन प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव, और इसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट. क्या होता है इम्पीचमेंट प्रोसीजर, इम्पीचमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट इज द प्रोसीजर थ्रू विच प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड, इट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट कैसे पास होता है, इम्पीचमेंट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास किया जाता है, पार्लियामेंट. इम्पीचमेंट इज पास्ड इन पार्लियामेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारी कंट्री के फर्स्ट सिटीजन है, उनको पुलिस अरेस्ट नहीं करती, ना उनको कोर्ट में प्रेजेंट, जज के सामने प्रेजेंट किया जाता है. तो अगर इनके ऊपर कोई भी चार्ज लगाया जाना है, इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जाता है या इनके अगेंस्ट कोई भी वेरिफिकेशन ली जाती है, तो इनको कहाँ पे रिमूव किया जा सकता है, पार्लियामेंट में. इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट प्रॉपर एमपीज जो है राज्यसभा के एमपीज प्रॉपर वोटिंग करते हैं, और उस वोटिंग में अगर 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउस में अलग अलग, लोकसभा में अलग राज्यसभा में अलग, अगर प्रपोजल पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट. ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट. ये 1 मार्क में भी आपको आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पीचमेंट. इसके बाद आपने बताना है कि प्रेसिडेंट कैन यूज ऑल हिज पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये हो गई इसकी इंट्रोडक्शन. ठीक है, इसके बाद फिर हमने करने हैं सेम वही आप हेडिंग्स याद रखो जो आपने पार्लियामेंट के लिए किए थे, क्योंकि इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न. नंबर 1, लेजिस्लेटिव पावर या लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है, ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले क्या बताना है. अब आपने
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव वर्ड लिख रही हूँ तो इट मीन्स प्रेसिडेंट की कौन कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, वेरी इजी नंबर वन। अब मैं पूरा पूरा जो है वो वर्ड आपको कैसे याद रखना है, इसके लिए हमेशा अपने माइंड में ना कुछ ऐसे ही लाइंस याद रखो ताकि जो आप लेजिस्लेटिव में लिख सको। सबसे पहले आप शॉर्ट में आप ऐसे लिखो, फर्स्ट सेशन, आपने इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट सेशन आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट सेशन इसमें क्या होगा कि फर्स्ट सेशन का मतलब होता है जब भी कंट्री की नई लोकसभा बनती है, जब नए लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो हमेशा प्रेसिडेंट की स्पीच से स्टार्ट होती है। तो आपने इसमें क्या बताना है, फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट दैट स्टार्ट्स विद द स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट। ये मतलब इसका मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव यहाँ पे लॉ मेकिंग, इसका मतलब ब्रैकेट में अपने याद करने के लिए आप ब्रैकेट में ये लिख सकते हो पार्लियामेंट से रिलेटिव, यानी कि कौन सी पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ठीक है। नंबर वन, फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जब भी नई लोकसभा बनती है, जब भी नए इलेक्शंस होते हैं तो फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं, उनका वेलकम करते हैं और उसके बाद उनकी जो भी सेशंस, उनकी मीटिंग्स जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। देन अगर फर्स्ट सेशन वो बुलाते हैं, सेकंड इज वो इन लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेशन तो हो गया, हाँ जी मीटिंग, सपोज इन बिटवीन अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकती तो लोकसभा को वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं, कैन डिसॉल्व लोकसभा। शॉर्ट में आपने बिल्कुल अपने प्रोसीजर नहीं बताना, आपने सिर्फ ये बताना प्रेसिडेंट कैन आल्सो डिसॉल्व लोकसभा इफ इट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हो गया। और नॉमिनेशन मतलब दोनों हाउस में नॉमिनेशन कर सकते हैं, तो आप ये याद रखो 2+12 नॉमिनेशन मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये तो आप खुद लिख लोगे दैट प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। तो ये भी एक तरह से पार्लियामेंट का ही फंक्शन है, ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड फंक्शन है कि पार्लियामेंट से रिलेटेड फंक्शन प्रेसिडेंट का क्या है। देन इसके बाद सपोज कई बार क्या होता है कि पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा, नहीं सेशन चल रहा मतलब सारे एमपीज जो है वो दिल्ली में नहीं, लेकिन उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट को किसी स्ट्रॉन्ग लॉ या किसी स्ट्रॉन्ग जो है वो एक डिसीजन लेने की जरूरत है। लेकिन लॉ बनने का प्रोसीजर तो बहुत मुश्किल होता है, फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकेंड रीडिंग होती है और इमिडिएटली सारे के सारे एमपीज को पूरे इंडिया से नहीं बुलाया जा सकता। तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट की एक पावर होती है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से एक लॉ बना सकते हैं। शॉर्ट में उस लॉ को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। तो ये भी आप लिख सकते हो दैट प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, शॉर्ट में बिल्कुल। ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब है व्हेन लोकसभा इज नॉट इन सेशन एंड एनी न्यू लॉ इज रिक्वायर्ड देन प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस। लेकिन ये ऑर्डिनेंस सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जब फिर पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होगा तो इस ये जो है वो खत्म हो जाएगा और इसकी जगह सेम बिल पास होगा और बिल को उसी प्रोसीजर से निकलना होगा जिस प्रोसीजर से बाकी बिल होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड फाइनल स्टेज। तो ये होगी प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स। नंबर वन, सबसे पहले फर्स्ट सेशन, बहुत इजी है। फर्स्ट पॉइंट में आप क्या बताओगे दैट ऑलवेज फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट स्टार्ट्स विद द स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट। जब भी फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है हमेशा प्रेसिडेंट की स्पीच के साथ प्रेसिडेंट उनका वेलकम करते हैं और उसके बाद सेशन स्टार्ट होता है। सेकंड, और क्या इसका फंक्शन है, कैन डिसॉल्व लोकसभा। इसमें आपने क्या बताना, दैट प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा इफ इट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। थर्ड आप क्या बताओगे, दैट प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ
लोकसभा एंड 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। फिर आपने क्या बताना है, देन इफ इफ लोकसभा इज नॉट इन सेशन, द मीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज नॉट गोइंग ऑन, अगर मीटिंग नहीं चल रही होती है उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट को किसी एक, जिसे हम कहते हैं कि सडन प्रॉम्प्ट लॉ की जरूरत है, लेकिन सारे के सारे एमपी तो अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में हैं, वो इकट्ठे नहीं बुलाए जा सकते, तो उस टाइम पीरियड में ही कैन इशू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। आप सिंपल लिखो, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, क्लियर। तो ये हो गए लेजिस्लेटिव फंक्शन। एनी डाउट, आस्क योर डाउट, देन आई विल स्टार्ट फाइनेंशियल। हरी अब बेटा, इट्स वेरी इजी, आई हैव एक्सप्लेन यू 3 or 4, यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दैट। हाँ जी आर्यन, हाँ जी, आस्क योर डाउट बेटा। यस, एक्सप्लेनेशन क्या, आस्क योर डाउट, हाँ जी स्पीक। बच्चे कीप योर माइक ऑन। मैम ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन क्या है? ऑर्डिनेंस इज द लॉ एंड इट इज इशूड बाय द पार्लियामेंट, सॉरी इट इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। एक ऐसा लॉ होता है जो उस टाइम बनाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती। सेशन में नहीं होती मतलब जिस टाइम पर पार्लियामेंट का सेशन नहीं, मीटिंग्स नहीं होती पार्लियामेंट, तो सारे के सारे एमपीज जो हैं वो सब 5 साल के लिए दिल्ली में नहीं रहते, वो सिर्फ तभी दिल्ली जाते हैं जब उनकी मीटिंग्स होती हैं, सेशन होता है, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं अपने अपने एरियाज। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा, लोकसभा की मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, ऐसे में कोई नए सडन लॉ की जरूरत है, तो उस टाइम पीरियड में प्रेजिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस वेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। इट इज क्लियर आर्यन? हाँ जी इट इज क्लियर, ओके। एनी अदर स्टूडेंट? ठीक है, हाँ जी। इसके बाद हम करते हैं बच्चे फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स में हमने क्या बताना है कि प्रेसिडेंट की वो पावर्स जो फाइनेंस से रिलेटेड, प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स, प्रेसिडेंट कैसे कंट्रोल करते हैं फाइनेंस को, तो ये होगी फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पावर्स भी कह सकते हो, फाइनेंशियल फंक्शंस भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें हमने क्या बताना है, सबसे पहले हमने बताना है फाइनेंस से रिलेटेड है, तो सेम जैसे पार्लियामेंट में हमने किया था मनी बिल, बजट, मनी बिल और बजट दोनों ही फाइनेंस से रिलेटेड है ना, मनी से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट की फंक्शन क्या है? नो मनी बिल विल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्रेजिडेंट। पहले तो उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाएगा, यानी कि बजट और मनी बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना है। आपको मैंने ये बताया कि पहले ये लोकसभा में जाएगा सबसे पहले, क्योंकि मनी से रिलेटेड होता है, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर इंफॉर्मेशन, प्रायर अप्रूवल किसकी रिक्वायर्ड है? प्रेजिडेंट की। ये होगी फर्स्ट पावर, नंबर वन मनी बिल। आपने ये बताना है नो मनी बिल और बजट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बिना मनी बिल और बजट जो है वो लोकसभा में प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। नंबर टू, वन फर्स्ट तो हो गया इंट्रोड्यूस, सेकंड अगर इंट्रोड्यूस हो गया, लोकसभा ने बिल पास कर दिया, उसके बाद राज्यसभा ने पास कर दिया, बिल पास करने के बाद ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? दैट प्रेसिडेंट कैन आल्सो डिले बिल। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? बिल को डिले कर सकते हैं। डिले का मतलब होता है सपोज प्रेसिडेंट को कुछ लैंग्वेज या कोई वर्ड जो है वो टेक्निकल है, लीगल है, उन्होंने किसी की एडवाइस लेनी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की एडवाइस लेनी है, तो वो क्या कर सकते हैं? बिल को कुछ देर के लिए डिले कर सकते हैं, ठीक है। और ये मतलब मेन आपने बताना है दैट प्रेसिडेंट कैन डिले बिल, डिले बजट आल्सो, डिले फॉर यू कैन से किसी भी तरह से कोई भी एनी रीजन, एंड दे कैन टेक एडवाइस
रिगार्डिंग द बिल फ्रॉम द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जो है वो एडवाइस भी ले सकते हैं। तो ये हो गया फाइनेंशियल। इसमें दो याद रखो, एक तो मनी बिल एंड बजट की इंट्रोडक्शन, इट विल बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन लोकसभा विद द प्रायर अप्रूवल और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, एंड सेकेंड इज प्रेसिडेंट कैन डिले बिल, ठीक है, वो डिले कर सकते हैं बिकॉज दे कैन दे हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हो गई इसकी फाइनेंशियल पावर्स। हाँ जी, आस्क योर डाउट। फर्स्ट होगी लेजिस्लेटिव पावर, सेकेंड इज फाइनेंशियल पावर्स। हाँ जी बेटा, ask your doubt. Okay, next है electoral functions. Next is electoral functions. वो किनको elect कर सकते हैं? Electoral power. President किनको elect कर सकते हैं? किस किस को elect कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको याद करना है दैट ही कैन अपॉइंट, इलेक्टोरल में हमने ये बताना ही कैन अपॉइंट, वर्ड यहाँ पे लिखोगे अपॉइंट, किसको अपॉइंट कर सकती है? ही कैन अपॉइंट नंबर वन प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जब भी लोकसभा, नई लोकसभा बनती है, लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी के हेड होते हैं, ठीक है, ही इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, फिर बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन गवर्नर्स, स्टेट्स के गवर्नर्स, जितनी भी स्टेट्स के गवर्नर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्रेजिडेंट कैन अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और हमने पढ़ा है सीईसी एंड अदर मेंबर्स। सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन, तीन हो गए ना, वन इज सीईसी प्लस टू मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। देन इसके अलावा एक और पोस्ट होती है एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स कौन होते हैं? हमारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स जो फॉरेन कंट्रीज में एम्बेसीज में होते हैं, सपोज हमारी कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज होती है ना, जो जितने भी मतलब जो वीजाज या जो भी वीजा ग्रांट करते हैं या जो भी एनआरआईज हैं या जो भी कंट्री में फॉरेन कंट्रीज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं इंडियंस की, उनसे डील करते हैं एम्बेसी, एम्बेसी जो होती है उस एम्बेसी के लिए एम्बेसडर्स, इंडिया से जो एम्बेसडर जाते हैं दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हमारी कंट्री के एम्बेसी कैनेडा में भी है, यूएसए में भी है, अमेरिका सॉरी ऑस्ट्रेलिया में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, तो अलग अलग कंट्रीज के लिए एम्बेसडर जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं थ्रू द प्रेसिडेंट। तो ये आगे इनकी इलेक्टोरल फंक्शंस, तो ये आपने सारा इकट्ठा ही लिखना है दैट प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट। इसके पहले आपने नॉमिनेटेड में तो वो लिख दिया लेजिस्लेटिव में कि दो मेंबर्स लोकसभा के लिए और बाकी 12 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा के लिए। इसमें आपने क्या बताना, किन किन कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है वो प्रेसिडेंट के अंदर, नंबर वन प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये सारा जो है वो प्रेसिडेंट देखते हैं। देन गवर्नर्स, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद बाकी जितने भी हैं ये प्रेसिडेंट का अकेला डिसीजन नहीं होता, इसके लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अगर प्रेसिडेंट ने किसी गवर्नर को जो है वो इलेक्ट अपॉइंट करना है, जजेस को अपॉइंट करना है, या फिर इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना है, एम्बेसडर्स को अपॉइंट करना है, देन ही कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर? सो ये सारे फंक्शंस हैं इलेक्टोरल फंक्शंस। एनी डाउट? वी हैव डिस्कस्ड नाउ थ्री, नंबर वन लेजिस्लेटिव, नंबर टू फाइनेंशियल, नंबर थ्री एग्जीक्यूटिव। हाँ जी बच्चे, एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? ओके, नेक्स्ट इज जुडिशियल फंक्शन।
जुडिशियल फंक्शन में सेम उसको रिपीट कर सकते हो जुडिशरी से रिलेटेड, जुडिशरी जुडिशरी से रिलेटेड मतलब जजेस से रिलेटेड। तो नंबर वन तो आपने वही बता देना द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसमें आपने ये बता देना। फिर अपने आप क्या बताना है, जो प्रेसिडेंट होते हैं ना बेटा, ही इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर का मतलब है, अब आपने देखा होगा 20 से आप देखोगे ना 26 जनवरी को, 26 जनवरी को मेन जो है वो जिसमें कहते हैं गेस्ट कौन होते हैं हमारी कंट्री के, प्रेसिडेंट, और उसके बाद इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होती है, तो वो भी प्रेसिडेंट हाउस प्रॉपरली डेकोरेट किया जाता है, बीटिंग रिट्रीट बीटिंग सेरेमनीज होती है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल द थ्री फोर्सेज, तीनों फोर्सेज कौन सी, नेवी आर्मी एंड एयरफोर्स, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस, तीनों जो मतलब जो कमांडर्स हैं, एयर जो जो सबसे जिसम कहते हैं कि हाईएस्ट पोस्ट है, ठीक है, नेवी में आर्मी में और एयरफोर्स में, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल में, ठीक है, ये हो गई इनकी एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट पोजिशन है जुडिशियल, जुडिशियल में आता है, ठीक है। एक और इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पावर क्या है, He can grant pardon. He can grant pardon. Pardon का मतलब होता है सजा माफ करना, and postpone death sentence. Postpone death sentence. Death sentence मतलब फांसी की सजा। अगर किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट के जज ने फांसी की सजा दी तो और कोई उसको जो है वो रिपील नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन की फांसी की सजा को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो बहुत से ऐसे मतलब केसेस देखे गए हैं जिसमें सपोज अगर किसी पर्सन को फांसी की सजा हो गई है, ठीक है, उसके बाद जो उस पर्सन का लॉयर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि हम जी हमने प्रेसिडेंट को पिटीशन डालना, पिटीशन डालना का मतलब रिक्वेस्ट कि प्रेसिडेंट जो है वो उनकी फांसी की सजा को किसमें कन्वर्ट कर दे, लाइफ इंप्रिजनमेंट। अदरवाइज हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के जज का डिसीजन कोई भी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन फाइनल पावर जो है वो किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को, सिर्फ इस केस में कि अगर किसी पर्सन को फांसी की सजा हुई है तो वो उसको किसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट। लेकिन अगर कोई वैलिड रीजन है, ऐसा नहीं कि बिना किसी रीजन, कोई वैलिड रीजन है ओनली देन, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई भी डिसीजन दिया है तो कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन चैलेंज का मतलब ये नहीं, चेंज काइंड ऑफ, अगर किसी को पर्सन को अगर फांसी की सजा दी गई है तो उसको सिर्फ प्रेसिडेंट जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उम्र कैद में, लाइफ इंप्रिजनमेंट में, वो भी जेन्युइन और वैलिड रीजंस के साथ। तो ये है हमारी कंट्री के, ये हैं ये जनरल पावर्स। मैंने आपको अभी तक फोर पावर जो करवाई हैं वो जनरल पावर्स हैं। अभी नेक्स्ट मैं वो करवाऊंगी एमरजेंसी पावर्स। एमरजेंसी पावर्स वो पावर्स जिन पावर्स को यूज करने के लिए प्रेसिडेंट को जो है वो एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी एडवाइस की जरूरत कई बार नहीं भी पड़ती, ठीक है। तो ये कंट्री में एमरजेंसी जब लगती है तब प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द मेन सिटीजन ऑफ, फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, उन्होंने सारे डिसीजन लेने अपने हाथ में, तो ये होती हैं उनकी एमरजेंसी पावर्स। मैंने आपके साथ डिस्कस की है जनरल पावर्स, लेजिस्लेटिव, देन आई हैव डिस्कस फाइनेंशियल, देन आई हैव डिस्कस इलेक्टोरल, एंड देन इज जुडिशियल, क्लियर। अब नेक्स्ट जब हमारा पीरियड होगा वी विल डिस्कस अबाउट द एमरजेंसी फंक्शंस, याद रखना बेटा, ठीक है।